तो हम बात कर रहे थे आईटीसी के बारे में, और आईटीसी पर ये समझना था कि जो डिमर्जर की स्कीम चल रही है तो उसे किस रूप में देखा जाए, और क्या इससे शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू एक्रिशन होगा, क्या उनकी वैल्यू बढ़ेगी, क्या अभी जो आईटीसी के मौजूदा शेयर धारक हैं वो क्या करें इस समय। देखिए, पहली चीज़ आईटीसी एज अ होल एट दिस वैल्यूएशन, पहला समझ लें कि ये मुझे वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे फेयरली वैल्यूड दिखता है। जो ये प्रोसेस ला रहे हैं डीमर्जर वैल्यू क्रिएशन का, इसके कारण जो अलग अलग बिजनेसेस इमर्ज होंगे उसमें जरूर वैल्यू क्रिएट होगी और आगे ग्रोथ भी बनेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि आईटीसी इन इट्स करेंट फॉर्म, आईटीसी इन इट्स करेंट फॉर्म बिकॉज इसमें इनका सिगरेट बिजनेस भी है, तो इसके इशू के कारण इनका वैल्यूएशन प्रीमियम यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। और इसी के कारण से ये होटल बिजनेस को अलग करना चाहते हैं, एफएमसीजी भी अलग होगा क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। एफएमसीजी बिजनेस अलग करेंगे, होटल बिजनेस अलग करेंगे बिकॉज इस सबका जितना भी टूरिज्म में आगे फेवरेबल कंडीशंस बन रहे हैं उससे उनको फ़ायदा होगा। ये करना ही करना है, तो होगा डीमर्जर, वैल्यू भी क्रिएट होगी। लेकिन जो आईटीसी होल्ड करता है, होल्ड कर सकता है ना, इससे बहुत ज़्यादा प्राइस गिरेगा ना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, यहीं पे बहुत से बहुत होगा, तो कंसोलिडेशन में आईटीसी रह जाएगा जब तक ये सारी डीमर्जर हो नहीं जाते हैं। और उसके बाद अभी तो जहाँ तक मुझे याद है कि होटल बिजनेस में आईटीसी करीब 40% स्टेक तो रखना चाहती है, तो वहाँ पे अपना से तो रहेगा ही इनका। और फिर उसके बाद एफएमसीजी का भी नंबर आएगा बिकॉज वो तो उनका बहुत पहले से प्लान है कि वहाँ से वो मैक्सिमम शेयर लेके आना चाहते हैं ओवरऑल बिजनेस में। तो ये चीज़ें होंगी और लॉन्ग टर्म में तो अच्छी रहेंगी, बट एट दिस जंक्चर मुझे लगता है ये सब प्राइस में है। आईटीसी एज ए कॉन्ग्लोमरेट में ये सारी चीज़ें प्राइस में है। तो फिलहाल आपको लगता है कि आईटीसी में यहाँ इस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की वजह से कोई नया मतलब प्रवेश करना या निकलना, इन दोनों की अभी ज़रूरत नहीं लगती है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ ऐसा प्राइस में आपको कुछ अट्रैक्टिव बचा है कि आप यहाँ से लेके उसको बेनिफिट कर सकते हैं। अब जो बेनिफिट होगा डीमर्जर के बाद, जो एक एक एंटिटीज बनती जाएंगी उसमें अपना इंडिविजुअल बेनिफिट चलता जाएगा। जी, लेकिन आपने भी जिक्र किया कि अगला नंबर फिर एफएमसीजी का हो सकता है, तो यहाँ से ये सारी प्रक्रिया होने में अब साल भर लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, जब आईटीसी के मौजूदा सारे अलग अलग व्यवसाय अलग अलग कंपनियों के रूप में बाजार में होंगे, तो फाइनल जो है वैल्यू, वो आज की तारीख में क्या वहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग की गुंजाइश आपको दिखती है, या अगर आज की तारीख में आईटीसी फेयरली वैल्यूड है तो 3 साल में जितने डिमर्ज एंटिटीज होंगी उन सब का भी जो कुल वैल्यूएशन होगा वो फेयरली वैल्यूड ही रह जाएगा। नहीं, वो मुझे लगता है राजीव जी, और उसका मैं खुद भी इंतजार ही कर रहा हूँ, वहाँ पे वैल्यूएशन प्रीमियम आएगा। यहाँ पे ना वैल्यूएशन प्रीमियम आपके सिगरेट बिजनेस के कारण बहुत आ नहीं पाता है। जब वो अलग अलग एंटिटीज बन जाएंगी ना, तो उस केस में फिर उनको वैल्यूएशन प्रीमियम मिलेगा और मुझे लगता है वो बेनिफिशियल होगा। इन इट्स करेंट फॉर्म वैल्यूएशन प्रीमियम नहीं। जी, तो वैसे में मतलब जिनके पास अभी है वो आराम से इत्मीनान के साथ बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई नया पैसा लगाने की हड़बड़ी भी नहीं है। हड़बड़ी नहीं है, लेकिन कोई अगर इसको पोर्टफोलियो में इस वैल्यू अनलॉकिंग के हिसाब से 5-7 साल के लिए रखना चाहता है तो रखे, बिकॉज होना तो है। देखिए, मेरे हिसाब से होटल बिजनेस का डीमर्जर पहले हो जाता था, लेकिन चूंकि कोविड के बाद होटल एक लॉस मेकिंग बिजनेस बन चुका था, तो आप उसको डीमर्ज करके भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू ऑप्टेन नहीं कर सकते थे, तो लॉजिकल भी था जब तक होटल एक अट्रैक्टिव सिचुएशन में आ नहीं जाए होटल बिजनेस, उसको डीमर्ज करके आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। तो एक उसके लिए हो सकता है 2-3 साल का डिले हो गया हो, तो अब वो हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट इन लाइन एफएमसीजी ही बचता है। जी, तो प्राइस पैटर्न को देखते हुए क्या यहाँ पे 430 के आसपास क्या एक्टिविटी रहेगी, क्या इसमें आपको लगता है कि जो इससे पहले 440 के आसपास एक अटक रहा है, 440-445 के बीच में, क्या ये बाधा जल्दी ही पार होगी या अभी कंसोलिडेशन लंबा चलेगा? मेरे हिसाब से अभी कंसोलिडेशन चलना चाहिए क्योंकि ये
हो सकता है अगले रिजल्ट तक ये कंसोलिडेशन चले, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं देखा गया है। मुझे लगता है कि 418-15 के आसपास में इसका डाउनसाइड अरेस्ट तो हो जाना चाहिए, लेकिन अगर उसके नीचे गया तो फिर से इसके फ्रेश असेसमेंट एटलीस्ट प्राइस स्टैंड पॉइंट से तो करनी पड़ेगी। अदरवाइज मोस्टली ऐसे स्ट्रक्चर में लंबा कंसोलिडेशन ही देखने को मिलता है। ये कंसोलिडेशन चल रहा है करीब करीब लास्ट ईयर जुलाई से, और अभी मई खत्म होने वाला है, तो ऑलमोस्ट 10 महीने का तो हो गया है कंसोलिडेशन। तो मुझे लगता नहीं प्राइस डैमेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टाइम लगना चाहिए जी।